हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर करूंगी कि नॉन मॉड्यूलर किचन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। मैंने अपने हिसाब से, मुझे जैसे फंक्शनल लगता है उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं वही शेयर करूंगी आपके साथ। आई होप कि आपको भी इस वीडियो से कुछ आइडिया मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि मैंने अपने गेस्टों के पास में क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज किए हैं। तो यहाँ पे हमारा गैस स्टोव है, उसी के राइट हैंड साइड में मैंने सारे ऑयल कंटेनर्स रखे हैं और स्पून्स, नाइफ भी वहीं पे रखे हैं और चिमटा और जो रोटी बनाने के लिए यूज़ होता है वो भी वहीं पे रखा। फिर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कटिंग बोर्ड, ट्रे एंड प्लेट्स अरेंज किए हैं और गैस स्टोव के एग्जैक्ट नीचे मैंने पानी रखा है जो कि खाना बनाने में यूज़ होता है, और सारे बर्तन जो कि मुझे खाना बनाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे मिक्सी जार और जो बड़े चम्मच होते हैं और सारे लीड्स, वो सभी रख दिए हैं। और इस साइड में मैंने ऑनियन, पटेटो एंड नारियल रखा है और जो भी मेरे पास तवा है उन्हें रख दिया है। और यही पीछे मैंने जो प्लास्टिक होते हैं जो कि कभी कभी यूज होते हैं उनको रख दिया है। और इसी के साइड में पेट को, जो कि ओपन है, उसको मैं एज अ पेंट्री यूज करती हूँ। वहाँ पे चावल, आटा वगैरह रखती हूँ और मिक्सी को भी मैंने यहाँ रख दिया है। और उसी के ऊपर में मैंने पीने का पानी रखा है और उसके एग्जैक्ट पीछे एक शेल्फ बना है जो कि कार्डबोर्ड से बनाया हुआ है। तो उसके ऊपर मैंने कुछ जो ग्लासेस और छोटी छोटी चीज़ें जो भी होती है वो सब रख दिए हैं। और इस डब्बे में जैसे कि रबर बैंड्स और यहाँ पे एक स्टिकी नोट रखती हूँ, जब भी कुछ ग्रोसरी ख़त्म हो जाती है तो उसमें मैं लिख देती हूँ। और यहाँ पे मैं बादाम रखती हूँ और इस पे मैं बादाम सोक करती हूँ। और वहाँ पे एक छोटा सा स्पेस था तो मैंने वहाँ पे ट्रे रख दिया है जो कि कभी कभार यूज होती है। और यहाँ पे दो डायरी है जिसमें रेसिपीज और कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं लिख के रखती हूँ। और यहाँ पे एक ग्रीन प्लांट जो कि आर्टिफिशियल है, तो ये स्पेस कुछ इस तरह से दिखता है। और उसी के जस्ट ऊपर में ऐसे दो शेल्फ बने हुए हैं, तो उसमें मैं जो भी डेली यूज़ के मेरे ग्रॉसरीज हैं वो सभी रखती हूँ। और ये रोटी बना के इसमें रखती हूँ रात में। यहाँ पे सारी ग्रॉसरी है जो कि डेली यूज़ के हैं, जैसे दाल, शक्कर, सूजी, वो सभी चीज़ है यहाँ पे। और ये मसाले को मैं इसमें निकाल के रखती हूँ, जैसे हल्दी, नमक वगैरह, और जब भी उसमें ख़त्म होता है तो रिफिल कर देती हूँ। और उसके ऊपर के शेल्फ में इडली मेकर और जो भी एक्स्ट्रा बड़े बर्तन हैं वो सभी रख दिया है, एक्स्ट्रा कुकर। और उस इस वाले में जो भी एक्स्ट्रा डिब्बे हैं वो सब रख दिए हैं मैंने।
और एक चीज़ दिखाती हूँ जो कि एज अ एक DIY भी बोल सकते हो, और अपने घर के जो वेस्ट कप्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो एक मेरा होल स्पाइस का डब्बा है, ये एक्चुअली चॉकलेट का डब्बा है, उसके अंदर मैंने स्पाइसेस को कुछ इस तरह से अरेंज किया है। मेरे पास ये जो कप पड़े थे जो कि मैं यूज़ नहीं करती थी ज़्यादा, आप लोग भी इसी तरह अगर बहुत एक्स्ट्रा कप्स हो जाते हैं कभी कभी घर में तो उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और इसका स्मेल भी बिल्कुल भी नहीं जाता। इसी तरह से कोई आप बड़ा सा स्टील का डब्बा भी ले सकते हैं, उसी के अंदर भी उन सबको अरेंज कर सकते हैं। और किचन में हर चीज़ के लिए आप अगर अलग अलग एक जगह उनके लिए रखोगे तो चीज़ें ज़्यादा बिखरती नहीं हैं। फिर यहाँ पे गैस स्टोव के साइड में एक कुछ डेकोरेटिव पर्पस के लिए यहाँ पे प्लांट रखे हैं, और ये है सिंक एरिया। सिंक एरिया के एक कुछ मैंने बनाया था वेस्ट प्लेट से, इसका भी वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, और उसी के नीचे मैं डस्टबिन रखती हूँ, और यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है, और सिंक के नीचे मैंने जो भी मुझे प्लांट्स के लिए मिट्टी वगैरह चाहिए वो भी रख दिया है, और सारे जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पे ये तो स्पेस खाली है, तो कुछ इसी तरह से मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज किया है। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।